फूट फूट कर रोने लगे मोहम्मद शमी, हंसी जहां ने सारी हदें कर दी पार। हाथ जोड़ रहे, रिक्वेस्ट कर रहे, फिर भी हंसी जहां का नहीं पिघल रहा दिल। कौन करेगा मोहम्मद शमी की मदद? क्या विराट कोहली लगा देंगे अपना वीटो पावर? दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे रोहित शर्मा? इतनी बड़ी मुसीबत से कौन निकालेगा? जिसने करोड़ों देशवासियों का गर्व से ऊंचा कर दिया सर, आज उसी भारत के बेटे पर टूट पड़ी है बहुत बड़ी मुसीबत। अगर आपके साथ होता तो आप भी रोने लगते। गेंदबाजी में भारतीय टीम का बब्बर शेर, जिसके सामने बड़े से बड़े हो जाते हैं ढेर, आज वही भारत का बेटा मोहम्मद शमी फूट फूट कर रो रहा है। अपनी पूर्व पत्नी हंसी जहां से रिक्वेस्ट कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, लेकिन हंसी जहां का दिल नहीं पिघल रहा। इतना बड़ा दर्द हंसी जहां दे रही कि अगर आपके साथ होता तो आप भी फूट फूट कर रोने लगते। मोहम्मद शमी भी तो एक इंसान है, उनके अंदर भी एक दिल है, तो क्यों ना मोहम्मद शमी भी रोएं? आखिर क्यों मोहम्मद शमी की कोई मदद नहीं कर पा रहा? आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से मोहम्मद शमी इतना टूटे हुए? सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताने वाले हैं। बता दें कि भारतीय टीम के लाल मोहम्मद शमी इस वक्त टूटे हुए हैं। जब भी वो अकेले होते हैं फूट फूट कर रोते हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी को उनकी बेटी से नहीं मिलने दिया जा रहा। मोहम्मद शमी को उनकी बेटी से कौन मिलवाएगा? क्या उनके साथ पीएम मोदी दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे? आखिर कौन मोहम्मद शमी की मदद करेगा? रिपोर्ट में विस्तार से हम आपको बताएं। उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर आपकी बेटी होती और आप उससे नहीं मिल पाए तो आपको कैसा लगता? बता दें कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों अपनी बेटी और पत्नी से दूर रहते हैं। शमी और उनकी पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग रहने का फैसला किया। हालांकि मोहम्मद शमी हमेशा अपने परिवार को मिस करते रहते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान शमी ने बताया कि कौन अपने बच्चों और परिवार को याद नहीं करता। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम मिल नहीं पाते, लेकिन हम उनको ही याद करते रहते हैं। वनडे विश्व कप 2023 में अपनी शानदार गेंदबाजी से तहलका मचाने वाले मोहम्मद शमी इंजरी के चलते फिलहाल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर शमी छाए रहते हैं। हाल ही में मोहम्मद शमी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें शमी अपने परिवार को याद करके थोड़े भावुक दिखे। मोहम्मद शमी ने बताया कि मेरी उनसे काफी कम बात होती है। जब मेरी पत्नी चाहती है तो मैं अपनी बेटी से बात कर पाता हूँ। काफी समय हो गया मेरी अपनी बेटी से मुलाकात नहीं हो पाई है। आगे शमी ने बताया, मैं हमेशा अपनी बेटी के ठीक रहने की कामना करता हूँ। भले ही मेरे और हंसी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो अच्छे से रह रही होगी। कौन अपने बच्चों और परिवार को याद नहीं करता? लेकिन कभी कभी समय ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि क्या मुझे उसकी याद आती है, तो कोई भी अपना खून नहीं छोड़ सकता। बता दें कि मोहम्मद शमी ने साल 2014 में हंसी जहां से शादी की थी और उनकी बेटी का जन्म 2015 में हुआ था। शमी की बेटी का नाम आयरा है। आयरा फिलहाल अपनी मां हंसी जहां के साथ रहती है। हंसी जहां ने कई बार मोहम्मद शमी पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि मोहम्मद शमी ने साल 2014 में हंसी जहां से शादी की थी और उनकी बेटी का जन्म साल 2015 में हुआ था। शमी की बेटी का नाम आयरा है। आयरा फिलहाल अपनी मां हंसी जहां के साथ रहती है। हंसी जहां ने कई बार मोहम्मद शमी पर गंभीर आरोप लगाए। वनडे विश्व कप 2023 के दौरान कई बार हंसी जहां ने शमी पर आरोप लगाए, यहां तक कि हंसी जहां ने शमी पर देशद्रोही होने तक के आरोप लगाए। कई बार इसको लेकर भी शमी काफी भावुक हो जाते हैं।